इधर क्या होता है बंधुओं, ज्योति राव के पड़ोसियों ने उसके पिताजी को बहका दिया था कि इस बच्चे को पढ़ा लिखा करके क्या करोगे, आज के जमाने में पढ़ने लिखने का कहां क्रेज है, क्योंकि उस समय बिरले ही लोग पढ़ते थे। तो क्या किया है बंधुओं, तो पढ़ना लिखना बंद कर किया खेती का काम, पिता श्री गोविंद को मिला थोड़ा आराम, गफ्फार बेग मुंशी और थे कुलजीत साहब, देखा उन्होंने बालक में और पढ़ने का यति चाव। पिताजी ने तो बंधुओं बैठा लिया था, लेकिन गफ्फार बेग मुंशी उनके पड़ोसी थे, वो उनसे मित्रवत व्यवहार रखते थे। उन्होंने देखा ये बालक तो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि है, इसको तो पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो उसी समय गोविंद राम को समझा करके क्या किया, क्या किया भैया, गोविंद राम को समझा कर और कीनो ऐसो काम, पुणे दाखिला करवा दिया, शुभली करेगो। इधर बंधुओं पुनः गोविंद राव पढ़ने के लिए जाता है, इधर तो पढ़ाई हो रही है और धीरे 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 उम्र बढ़ती है। और जिस समय बंधुओं 13 वर्ष का हुआ था गोविंद राव, उसी समय क्या हुआ, क्या हुआ भैया, अरे 13 वर्ष को हुयो ज्योतिबा, अरे 13 वर्ष को हुयो ज्योतिबा, आगे सुनो कहानी, अरे कमी नहीं खाने पीने की चढ़ती जाए जवानी। धीरे 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 बड़ा होता है, सुडौल शरीर, लेकिन इधर क्या होता है, क्या होता है, अरे एक दिन खंडू पाटिल आयो, एक दिन खंडू पाटिल आयो, उसी सतारा जिले में नाय गांव के खंडो नेब से पाटिल थे, वो ज्योति राव को शादी के लिए देखने के लिए आए थे भैया। और क्या होता है, क्या होता है, अरे ये कदन खंडू पाटिल आयो, अरे कदन खंडू पाटिल आयो, अरे रूप देख के मन हरसायो, अरे रूप देख के मन हरसायो, अरे इतने मेरे गोविंद आयो, अरे इतने गोविंद आयो, अरे फिर खंडू ने तो वचन सुनायो, अरे फिर खंडू ने वचन सुनायो, क्या सुनाया भैया, अरे मेरी सुता भई एक सियानी, अरे मेरी सुता भई एक सियानी, अरे रूप रंग में नहीं कोई सानी, अरे रूप रंग में नहीं कोई सानी,
सज्जनों, इधर क्या होता है? क्या होता है? खंडो पाटिल ने कहा मेरी सुता से आनी है और आपने बच्ची का विवाह कर दिया। गोविंद राव से कहने लगे सगाई ले लो ना। ले लो? हाँ हाँ, सगाई तो लेनी है। इधर क्या होता है उसी समय बंधुओं? क्या होता है? अरे समय देख टीका चढ़वायो, अरे समय देख टीका चढ़वायो, अरे फिर कुछ समय सुहानो आयो, फिर कुछ समय सुहानो आयो। अरे मुहूर्त शादी को कढ़वायो, मुहूर्त शादी को कढ़वायो, और शादी में दिनेश आगे रहते आयो। अरे भैया पूरा बेचो मेल, अरे घड़ी मुहूर्त देख के भैया होता है बंधुओं। उसी समय टीका चढ़ जाता है और कुछ समय के पश्चात शादी का मुहूर्त निकलवा करके और शादी के लिए तैयार हैं। और किस तरह से भैया दिनेश जी? किस तरह से प्रेम सिंह भैया? अरे बारात को ले साथ मेरे मेरे भैया, होता है। उसी समय ज्योति बाबा रात लेकर के और नाए गांव में आ जाते हैं। और बंधुओं आपको यह अवगत करा देता हूं, इनकी शादी सन 1840 में हुई थी। और किस तरह से मंडप सज रहा है भैया पांडे जी? अरे वरना मंडप में आयो, अरे डाकू भारी मन हर सायो, सखियां बरनी कुलाई, रही गीत विवाह के गाई। बरना मंडप में आयो, डाकू भारी मन हर सायो, सखियां बरनी कुलाई, रही गीत विवाह के गाई। आज बंधुओं इधर में मंडप सजा हुआ है
बैठी हुई है और सखियां मंगल चार गा रही हैं। अच्छा, और क्या होता है बंधु, क्या होता है? ये विधान सहित ज्योति संग सावित्री बैठाई। अरे विधि विधान सहित ज्योति संग सावित्री बैठाई। नई गीत विवाह के गाई। बंधुओं, ये जो आप कथा सुन रहे हैं, जिसके गायक कलाकार प्रेम सिंह सैनी, सलेमपुर कला, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर, राजस्थान, संगति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सुपरस्टार कलाकार श्रीमान वीरू पांडे जी, पुरुषोत्तम जी, और मेरे साथ दे रहे हैं मेरे अजीज मित्र गुरु भाई श्री दिनेश जी, दिनेश राज। ध्यान दीजिए बंधुओं, आगे क्या होता है, क्या होता है भैया? अरे कातर डर कर खूब यारो, अरे बारी माल लुटायो है। इधर बंधुओं, बारात जिस समय विदा हो रही थी, तो उसी समय सावित्री की विदाई के लिए तैयारी है। और उस समय सावित्री के पास उसकी संग की सहेली आ जाती है भैया। अच्छा, और कैसे हंसी मजाक कर रही है भैया विष्णु, कैसे? अरे हमें छोड़ अकेले तू जावेगी बाल मके द्वार साधन के द्वार। छोड़ अकेले जावेगी साधन के द्वार बाल मके द्वार। हमें छोड़ अकेले तू जावेगी द्वार बोल मत।
हमें तू अकेली छोड़ जाएगी। तू तो अपने सैया के संग आज रवाना है जाएगी और हम तेरे बिना कैसे रहेंगे मेरे साथी। ए मेरी लाली हमें छोड़ के मत जाओ ना। हाँ हाँ आज क्या होता है बंधुओं, क्या होता है? अरे बहने हमारी संग में खेली, अरे बहने हमारी संग में खेली, अरे हमें जाए तू छोड़ अकेली, अरे हमें जाए रही छोड़ अकेली। तू तो इकली मौज उड़ावेगी आलम के द्वार के द्वार हमें छोड़ अकेली जावेगी आलम के द्वार साजन के द्वार। ये प्रोग्राम आप ओम जयश्री कैसेट कुशवाहा के माध्यम से सुन रहे हैं और हमारे परम श्रद्धेय गुरु महाराज उत्तर प्रदेश के महान कथाकार भागवत आचार्य हमें आशीर्वाद देने के लिए स्टूडियो में विराजमान हैं। धन्यवाद। आगे क्या उपदेश दे रही हैं सखियां बंधुओं, क्या दे रही हैं उपदेश? अरे सास ससुर पति सेवा करियो, अरे सास ससुर पति सेवा करियो, अरे पतिव्रत धर्म कबहु ना तजियो, पतिव्रत धर्म कबहु मत तजियो, अरे पतिव्रत धर्म कबहु ना तजियो, पतिव्रत धर्म कबहु ना तजियो, जीवन भर सुख पावेगी साजन के द्वार पालम के द्वार, छोड़ अकेली जावेगी साजन के द्वार पालम के द्वार। इधर बंधुओं बारात को विदा करके और भेज देते हैं हंडो पाटिल अपनी सुता को ज्योति फूले के साथ भेज देते हैं। लेकिन बंधुओं यहां से कथा मोड़ लेती है आगे। एक दिन क्या होता है ज्योति फूले के एक ब्राह्मण मित्र थे बंधुओं, उनके साथ एक बारात में गए हुए थे और उसी समय उस बारात में उनका अपमान होता है। ज्योतिराव फूले ने उसी दिन ठान ली थी कि मुझे जातिवाद मिटाना है, दलित उद्धार करना है और उन्होंने सोचा कि इस घोरतम अपमान का कारण बस एक जो है वो है अशिक्षा। इस अशिक्षा से हमारा यहां अपमान हो रहा है। तो उसी समय उन्होंने कहा कि हम मुझे स्कूल खोलने चाहिए। अब मैं पूरी जनता को शिक्षा दूंगा, जो भी अशिक्षित हैं उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मेरा जीवन भर यही काम रहेगा। इधर क्या होता है बंधुओं 1848 में पूना के बुद्धवार पेठ में और पहला स्कूल खोल दिया था। लेकिन इस काम से उनके जो दुश्मन थे वो किस तरह से जलने लगे